प्रिय छात्रों, गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज अंग्रेजी माध्यम के ऑनलाइन क्लास में मैं निखिल श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण के एक सुंदर से टॉपिक संधि को लेकर उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। आइए अब सबसे पहले कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को संधि विषय पर जो जानकारी हम आपको आज अवगत करा रहे हैं, जिसकी परिभाषा बतलाती है, संधि की परिभाषा है दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार आई मीन्स परिवर्तन को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान देना होगा, जिसका नाम संधि है, संधि में होता क्या है? वर्णों का मेल होता है, वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है यानी उनमें जो परिवर्तन होता है, इसी चीज का नाम संधि है। अब आप ये जानने का प्रयास करेंगे कि कहां हम वर्णों का मेल करते हैं। वर्णों का मेल होता है संधि में, संधि में प्रथम शब्द का, संधि में प्रथम शब्द के, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, वर्ण एवं द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। प्यारे बच्चों, संधि में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण एवं द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण का जो मेल होता है, उसी मेल से विकार पैदा होता है, आई मीन्स परिवर्तन होता है, चेंजिंग होती है, इसी चीज को हम संधि कहते हैं। अब आप जानेंगे कि ये तो रही आपकी परिभाषा और संधि बनाने के नियम। अब आप देखेंगे संधि कितने भेदों में बढ़ती है। तो संधि हमारी बढ़ती है तीन भेदों में। प्रथम भेद का नाम होता है, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं फिर आपको बताते हैं। तो संधि के कितने भेद हैं, ये तीन भेद जो इसके हैं, चलिए देखिएगा। प्रथम भेद का नाम है स्वर संधि, स्वर संधि। और द्वितीय भेद का नाम है, अच्छा एक चीज और है, संस्कृत में इसी संधि को अच संधि भी कहा जाता है। द्वितीय भेद का नाम है व्यंजन संधि, इसी को संस्कृत भाषा में हल संधि भी कहा जाता है। आगे आपको बताएंगे कि स्वर संधि को अच संधि और व्यंजन संधि को हल संधि क्यों कहा जाता है। और तृतीय भेद का नाम है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब आप देखिए, आज के इस शिक्षण सत्र में हम बात करेंगे स्वर संधि पर और स्वर संधि के भेदों के बारे में। स्वर संधि को संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान महाकवि पाणिनी ने अच संधि कहा, क्योंकि पाणिनी द्वारा लिखे हुए माहेश्वर सूत्र के प्रथम सूत्र से लेते हुए चौथे सूत्र तक आप अयोण से शुरू करेंगे और अच तक, यानी अयोण रेलिक एयंग और अयोच तक, यानी चौथे सूत्र अयोच तक, यानी अयोण के अ को मिलाकर और अयोच के च को मिलाकर बनती है एक संधि अच संधि। इसके भेद होते हैं, यानी अच संधि यानी स्वर संधि के जो भेद हैं वो पांच भेद हैं।
इन्हीं पांच भेदों पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, व्यंजन संधि को हल संधि यानी हैवरट के ह को मिलाकर हल के ल को मिलाकर बनी है हल संधि। अब आप चर्चा करेंगे आज हम स्वर संधि की परिभाषा, फिर इसके भेदों के बारे में। चलिए देखिए, स्वर संधि की परिभाषा कहती है कि स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्य प्लस अस्त। अब सूर्य शब्द के य में आ छिपा है और अस्त शब्द का पहला वर्ण, जैसे हमने कहा था कि किसी भी संधि को बनाने का यह नियम होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मेल में जो विकार होगा उसे ही संधि कहा जाता है। अब आप देख रहे हैं सूर्य शब्द के अंतिम वर्ण में अ है और अस्त शब्द का पहला वर्ण भी अ है और इन्हीं अ और अ को मिलाकर बनेगा आ। यही या की मात्रा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के ठीक आगे लगाई जाती है। ठीक, आप समझ रहे होंगे। आगे अब देखिएगा स्वर संधि के भेद, जिसमें प्रथम भेद का नाम होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इसका सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र के आधार पर अकह माने जहां, सवर्णे माने समान वर्ण हो, दीर्घ माने वह बड़े में बदल जाता है। अर्थात यूं कह लिया जाए कि जहां समान वर्णों का समान वर्ण से मुलाकात होगी वह आगे चलकर दीर्घ में बदल जाता है। ठीक, अब आइए इसकी परिभाषा के बारे में। परिभाषा बतलाती है यदि अ या आ के बाद अ या आ आए तो, यदि अ और आ के बाद अ या आ आए तो वह बड़े आ में बदल जाता है। यदि ई और बड़ी ई के बाद ई और बड़ी ई आए तो वह आगे चलकर बड़ी ई में बदल जाते हैं। आगे के यदि उ और बड़ा उ के बाद उ और बड़ा उ आए तो यह आगे चलकर बड़े उ में बदल जाता है। ठीक, एक परिभाषा इसकी और है, यदि रे के बाद री मिले या आए तो वह भी आगे चलकर बड़ी री में बदल जाती है। अब इसके थोड़े से उदाहरण आप लोग देख लीजिए। हमने कहा यदि अ या आ के बाद अ या आ आए तो वह आगे चलकर आ में बदल जाता है। जैसे धर्म धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ, यह आगे चलकर बदलेगा। आप देखिएगा पहले शब्द के अंतिम वर्ण म में अ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ अ है, यही मिलेगा आ। यही आ की मात्रा हम पहले शब्द के अंतिम वर्ण के ठीक आगे लगाएंगे तो यह हमारा शब्द बनेगा धर्मार्थ, धर्मार्थ। आगे द्वितीय परिभाषा में जो बताया गया है थोड़ा सा मिटा लेने के बाद आपको बता रहे हैं। हमने कहा यदि ई और ई के बाद ई और ई आए तो वह आगे चलकर बड़ी ई में बदल जाती है। जैसे रवि प्लस इंद्र, पहले शब्द के अंतिम वर्ण व पर लगी है छोटी ई की मात्रा, यहाँ प्लस है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छोटी ई है, आगे चलकर यहीं बड़ी ई में बदल जाएगी और यहीं बड़ी ई की मात्रा। ठीक, हमने कहा है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के ठीक आगे लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा रविंद्र। ठीक, अब हमने तृतीय परिभाषा में बताया था यदि ऊ के बाद ऊ दिखाई पड़े या ऊ के बाद ऊ मिले तो अब आप बड़ा ऊ बना लेते हैं। जैसे अगर लिखा है भानु प्लस उदय तो भानु शब्द के न में छोटा ऊ और प्लस उदय शब्द का प्रथम वर्ण ऊ होने के बाद यह आगे चलकर बड़े ऊ में बदल जाना है तो हमारा शब्द बनेगा भानुदय।
क्या बनेगा? भानुदय। ठीक, अब एक परिभाषा इसकी बाकी रह गई है कि यदि रे के बाद रे दिखाई पड़े तो आगे चलकर रे में बदल जाना है। जैसे मान लीजिए लिखा है मातृ प्लस ऋणाम, मातृ प्लस ऋणाम, मातृ शब्द के त में भी री है और यहां भी द्वितीय शब्द का प्रथम मूल री है, द्वितीय शब्द का प्रथम मूल भी री है, यही री आगे चलकर बड़ी री में कन्वर्ट हो जाती है तो हमारा शब्द बन जाएगा मातृणाम, मातृणाम। इस तरीके से ये रही पूरी आपकी स्वर संधि के प्रथम भेद के बारे में आपको बता रहे थे दीर्घ संधि। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को यह संधि अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।